गाइस देखो फिर पिंक कलर हो गया है, बहुत शानदार लग रहा है यार प्रेम मंदिर भी। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे हरे कृष्णा। अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 2 बजा है, हम प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करने प्रभात फेरी में जा रहे हैं। और यहाँ फिर रात को बहुत पानी गिरा, मैं दिखाता हूँ पीछे साइड ना, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ फिर बहुत पानी गिरा है, देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो गाइस देखो यहाँ पे पूरा ना फूल उल दिख रहा है प्रेमानंद जी महाराज के लिए, उसमें से चल के जाते हैं। ये पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, हम भी आगे जा रहे हैं, देखते हैं लाइन में लगते हैं। तो गाइस महाराज जी आ रहे हैं, इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इससे सामने से आएंगे, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए महाराज जी, देखो भाई सामने है। गाइस मैंने सोचा नहीं था जितना अच्छा दर्शन हुआ है ना महाराज जी का, सामने से बहुत अलग लगते हैं, जितने हम टीवी में देखते हैं ना उसे 1000 times बेटर सामने। और महाराज जी का हम अभी दर्शन कर चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे अब तक। अब हम लोग जाते हैं वापस से होटल, या भाई बताएगा अब क्या करना है। तो हम लोग चाय पीने आ गए हैं, चाय पी रहे हैं मैं मम्मी पापा, भाई नहीं पीऊँगा बोल रहे हैं। गाइस हम लोग प्रेम मंदिर के पास है अभी, ये जा रहे हैं वापस होटल, दर्शन तो हो गए हैं। अब मैं ना इवनिंग में हम लोग निकलेंगे ना घूमने, अब प्रेम मंदिर आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, अभी यहाँ से दिखा रहा हूँ। गाइस ये देखो प्रेम मंदिर के बाहर का है, क्या मस्त फ्लावरिंग हुआ यार, इतना ताबड़तोड़ फ्लावरिंग में क्या बताऊँ मैं, आँख से तो अलग लेवल में दिख रहे हैं, कई शानदार है प्रेम मंदिर। सामने प्रेम मंदिर का वो भी है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग निकल चुके हैं वापस अगेन घूमने, सुबह का प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन वगैरह हो गया, अब देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे। पहले चौक में जा रहे हैं यहाँ से, फिर चौक से देखते हैं कहाँ जाना है। क्या बे मम्मी, क्या हाल चाल है तेरा? बदमाश। तब प्रेमानंद जी का दर्शन हुआ? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तो मेरे 500 देगी फिर? अब मई लाख तेरा सामने मई लेके गया था, लेके गया था, क्या हो गया था? ऑटो भी मई तेरा बुक किया था। चलो हम अभी ना ऑटो बुक नहीं किए हैं, कार बुक किए हैं, कार में जा रहे हैं घूमने। कहाँ कहाँ जा रहे हैं पता है? बरसानो, और क्या क्या बोली तू? गोकुल वृंदावन तो हो गया, और गोवर्धन, ये सब जा रहे हैं, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ये सब श्याम कुंड, सॉरी ये सब जा रहे हैं। चलो अब आगे आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग की गाड़ी आ गई, हम लोग घूमने निकल गए हैं, अब आगे निकल रहे। भैया कहाँ कहाँ जाएंगे आज हम लोग? हम सबसे पहले जाएंगे नंदगांव, हाँ, फिर उसके बाद बरसाना, फिर उसके बाद गोवर्धन, ठीक, फिर लौट में वृंदावन। गोकुल सर ये 2 दिन का ट्रिप होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी रास्ते पे, ये 2 दिन का ट्रिप होता है। गाइस ये देखो ये वैष्णो देवी मंदिर है, रिटर्न में अपन यहाँ का दर्शन करेंगे, मैं आप लोगों को रिटर्न में दिखाता हूँ ये। तो गाइस हम लोग यहाँ आ गए शिव ढाबा, ये अपना नंदगांव जाने वाले रोड में है, हम लोग यहाँ जाते हैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वास्ता करते हैं। पापा का थोड़ा सा ना पेट ठीक नहीं है, तो पापा दही पराठा वगैरह खाएंगे, देखते हैं। अब मैं या भाई तो खाएंगे स्ट्रेट में नंदगांव में। तो गाइस ये देखो खा गए मम्मी लोगों का, ये दही कितना मस्त लग रहा है, देखो ये कटोरा वाला, इसको क्या बोलते हैं भाई? कुल्हड़ दही, कुल्हड़ दही। तो गाइस ये ना तंदूर पराठा है, ये तंदूर में सिका हुआ है, और ये तवा पराठा, दही और ये मक्खन, और ये नहीं पता कौन सी चटनी, देखते हैं क्या है। ये पापा लोगों के लिए है, हम लोग के लिए डोसा मंगवाए। पापा लोग ये आपका है क्या तंदूर? भाई इसको सजा रहा था, ये तंदूर, ये तवा, 2 टाइप का अचार, ये दही, और ये है मक्खन। मक्खन एकदम ठंडा है, फ्रिज से निकला है, देख के लेना पापा। तो गाइस हम लोग का मसाला डोसा आ गया है, दोनों पराठा का ना कंक्लूजन था बहुत ज़बरदस्त था, बटर के साथ तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, अब डोसा खा के देखते हैं। वैसे देखो भेल का कितना अच्छा ना 4 लेन बना, 1 2 3 4। और हम लोग ना नंदगांव आ गए हैं, अब मैं यहाँ से अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये नंदगांव है। तो
गाइस हम लोग फाइनली ब्रिज मंदिर आ गए। चलो चलते हैं, मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। तो गाइस ये है, हम लोग आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा ब्रिज। हम सामने नंद का, सॉरी, आगे चलते हैं। जहाँ तक दिखा सकता हूँ दिखाता हूँ। गाइस ये ऊपर से देखो तो कुछ ऐसा ना जा रहा है यहाँ का ब्रिज का, सॉरी नंद का, यार बार बार ब्रिज निकल रहा है। और ये अंदर मंदिर है, ये देखिए। फिर उधर मंदिर चलते हैं, उधर वाले, यहाँ से एक बार दर्शन करके नीचे जाते हैं। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी भी, यहाँ से भी राधे राधे राधे। हाँ हेलो, कितना अपने कारण सबको परेशान करते हैं इन लोग। तो मोबाइल में छुपाना दूसरे बंदर से। नहीं नहीं नहीं, मतलब तो गाइस हम लोग मठा पीने आ गए हैं। यहाँ पे मठा क्या क्या मिलता है भैया? यहाँ पे लस्सी मठा, लस्सी मठा और क्या पता, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखो छाछ आ रहा है, दे भाई कैसा। तो गाइस यहाँ पे बना रहे हैं भेल, ये भैया बनवा रहे हैं भेल इनसे। वही मैं जो दिखाया था ना पांच लेयर वाला, ये देखो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर वाला भेल। खाने में कमी नहीं होना चाहिए, खाएंगे नहीं तो ताकत नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगा दर्शन कैसे करेंगे, सही बोल रहा हूँ ना? कमेंट करके बताना जल्दी जल्दी, कमेंट कमेंट कमेंट। तो गाइस अब हम लोग आ गए बरसाना, ये सामने है रंग महल और कीर्ति महल, कीर्ति माता मंदिर, कीर्ति मंदिर इसी को बोलते हैं। चलो अब अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, अगर कैमरा अलाउड हुआ तो, नहीं तो देखते हैं। पर बाहर से बहुत प्यारा दिख रहा है, रुको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो अंदर चलते हैं, अलाउड है यार कैमरा वगैरह सब चला रहे हैं फोन, अंदर चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं कीर्ति मंदिर, देखो क्या मस्त मंदिर है यार, क्या मंदिर है यार, आँख से देख पा रहा हूँ, शायद आप लोग कैमरा में देख पाओ, क्या ताबड़तोड़ तो व्यू है यार यहाँ पे से, जबरदस्त जबरदस्त एकदम अनबिलीवेबल। गाइस देखो क्या मस्त मंदिर, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अलाउ तो नहीं है यहाँ। गाइस ये देखिए क्या मस्त बना, गाना शुरू होने से पहले फटाफट बना लेता हूँ, भगवान का यहाँ पे ना भजन चल रहा है। तो गाइस ये है कीर्ति मंदिर जो आप लोगों को मैं पूरा दिखा के आया हूँ। जी हाँ, मैं दही गुपचुप बनवा लिया हूँ, सूजी का भी गुपचुप है इसमें और आटे का भी गुपचुप है, ये वाला सूजी का है, ये वाला आटे का है। गाइस देखो सामने जो ऊपर में मंदिर दिख रहा है ना, अब वहाँ जा रहे हैं, वो राधा रानी मंदिर है। गाइस अब हम लोग आ गए बरसाने की राधा रानी, अब जाते हैं ऊपर दर्शन करते हैं। एक से एक खाने का भी दिख रहा है यहाँ पे, वापसी में आते आते चबक लेंगे भाई, क्या कहना है तुम्हारा? बिल्कुल खाएंगे खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, खाने में कमी नहीं होनी चाहिए, घूमना अपनी जगह, खाना अपनी जगह। गाइस हम राधा रानी मंदिर आ गए हैं, देखते जाते हैं अंदर। यहाँ कार वार भी आई है भाई, बहुत रिस्की यार कार लेके आना ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम लोग राधा रानी मंदिर एंटर कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री है, अब यहाँ जाते हैं हम लोग अंदर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं लाडली जी महारानी मंदिर, लाडली जी महाराज मंदिर बरसाना, ये है राधा रानी का मंदिर, चलते ऊपर देखते क्या है। गाइस राधा रानी मंदिर आपने देखो, राधा रानी मंदिर गाइस देखो, सब के सब यहाँ मस्त गुलाल होली के लिए सब राधा कृष्ण रखे, देखो छोटा छोटा सब बढ़िया गुलाल उलाल खेल रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई कुछ, इतना मस्त लग रहा है यार यहाँ पे, मतलब आने के बाद ना अलग लेवल का संतुष्टि है।
गाइस सुनो ये बिहारी जी के मंदिर आ गए हैं ऊपर, अब आगे चलते हैं। चल भाई चल, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ अपन चप्पल कब छोड़ेगा। ये अंदर है देखो, बाकी बिहारी भगवान है, बाकी बिहारी भगवान भी है। और ये राधा रानी मंदिर में आप लोगों को बता देता हूँ 1 बजे बंद हो जाता है, तो जल्दी आना। तो गाइस एक को कहा नहीं, श्याम चूड़ी बेचने आया छलिया का रूप बना के, तो ये वही वाला मंदिर है। छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, ये वही वाला मंदिर है। पीछे श्याम जी, मैं आप लोगों को दर्शन तो कर लिए होंगे, फिर अब अपन आगे चलते हैं। अब बरसाना का भी कंप्लीट, बरसाना में 2 मंदिर था, राधा रानी मंदिर और सीता रानी मंदिर, वो क्या था सॉरी राधा रानी मंदिर अभी जो भी दर्शन किए हैं, और एक वो क्या नाम था, अरे यार वो स्मृति कर कैसे कुछ था, याद नहीं आ रहा, रुको मैं याद करके बताता हूँ। हाँ तो गाइस वो कीर्ति मंदिर था, और मैं ये बता रहा हूँ ये जो राधा रानी का मंदिर है वो ना 1:30 बजे बंद हो जाता है, तो एकदम जब भी आओगे टाइम को एकदम मैनेज करते हुए आना। गाइस तो ये वाला जो राधा रानी का मंदिर है ना वो यूपी में है, और ये वाला जो जहाँ कृष्ण जी आए थे ना बरसाना, ये वाला है राजस्थान में। मैं इसका ना पूरा इतिहास बता देता हूँ, ये देखिए क्या बोले, राजस्थान गवर्नमेंट का मंदिर है। हाँ गाइज ये वाला वही जगह है, क्या बोलते हैं राधा रानी वाला, हम लोग ना सीढ़ी से उस पर आ गए थे बाइक में, तो नहीं दिखा पाया था भाई, पापा चल के आए थे। ये ऐसा है यहाँ पे से चढ़ के आने के लिए, बहुत बढ़िया है व्यवस्था, ऊपर ये भी लगा है, धूप भी नहीं है। और इसके ना 2 गेट है, सामने से आओगे तो 3 सीढ़ी और ये पीछे साइड से जाओगे तो 150 सीढ़ी। तो अपने ड्राइवर को ना पूछ लेना कि भी हम लोग को पीछे साइड से लेके जाओ, कोई डिफरेंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, वही है, कोई ऐसा भी चार्ज नहीं है। गाइस यहाँ पे कांजी वड़ा खा रहे हैं, छोले कुलचा खाएंगे, गुपचुप खाएंगे। तो गाइस मैंने ये देखो ये वाला ना नट डाली हूँ इसमें, वो थोड़ा सा नमक वमक रहता है हल्का हल्का, खाते हैं इसको भी देखते हैं कैसा है ये, वैसे तो अच्छा ही रहता है फिर भी देखते हैं। तो गाइस हम लोग गोवर्धन वाला पे टेम्पल आ गए हैं, यहाँ परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। लोग ना पैदल भी चलते हैं पर हम ये टप टप में चल रहे हैं, हम लोग उतना है ना मतलब चल नहीं सकेंगे करके। कितना किलोमीटर अभी है ये? 21 किलोमीटर। ये 21 किलोमीटर है तो हम लोग नहीं चल पाएंगे करके ना टप टप कर लिए हम लोग। गाइस ये है कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर है ये। गाइस ये सामने जो दिख रहा है ना ये गोवर्धन पर्वत है, तो भैया तो गोवर्धन पर्वत तो बहुत ऊंचा था ना, अच्छा थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहे हैं। गाइस ये ना मानसिंह गंगा मंदिर आ गए हैं, मानसिंह गंगा मंदिर। मैं एक बार ना और कंफर्म होकर आपको बताता हूँ मानसिंह जी है कि नहीं, ऐसे तो 99% कंफर्म मानसिंह गंगा है। चलिए अंदर चलते हैं दर्शन कराता हूँ मैं। गाइस मानसी गंगा है। तो गाइस यही है मानसी गंगा, यही है मानसी गंगा, गाइस मानसी गंगा। गाइस देखो यहाँ से ना गोवर्धन पर्वत और वहाँ से भी दिख रहा था, यहाँ से और ज़्यादा दिख रहा। तो गाइस हम लोग फिर आ गए हैं, क्या नाम है, राजस्थान में, और यहाँ के एक मंदिर है पुछरी का लौटा, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे ना मतलब हाजिरी लगता है, हाजिरी इन द सेंस कि हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। सर हाँ ले लिया ना भाई, ये देखो राजस्थान है इधर पूरा, देखते हैं और क्या क्या देखते हैं उनका यहाँ पे। ये शंकर जी जय भगवान। गाइस देखो क्या मस्त श्रृंगार हुआ है, भगवान लोग को कितने प्यारे लग रहे हैं, जय भगवान, जय राधा कृष्ण राधे राधे। तो गाइस हम लोग ने ये मंजीरा ले लिए, घर में सुंदरकांड वगैरह होता रहता है ना तो उसमें लगता है, तो हम लोग ले लिए। गाइस ये ना श्री गिरिराज जी मुख्यमंत्री मंदिर है, और सामने वो पहाड़ भगवान यहीं पे गोवर्धन को उठाए थे श्री कृष्ण जी।
यहाँ पे सामने में भगवान है। गाइस ये यमुना महारानी जी का मंदिर है। हम लोग ऊपर ना श्रीनाथ जी मंदिर जा रहे हैं। मम्मी आ जाओ, ये ऐसे पहाड़ चढ़ के जाना पड़ेगा। मम्मी नहीं चढ़ पाएगी भाई, मम्मी को दिक्कत जाएगा। ये पहाड़ ऐसे चढ़ के ना वो वहाँ से सामने से ऊपर श्रीनाथ जी के मंदिर जाना है। गाइस ये देखो, दो ठो तोता बैठा, एक ठो ये है और एक ठो ये देखो मिट्टू। ये देखो दो तोता बैठा। ये देखो बंदर ना मेरा फ्रूटी को ले लिया, मैं खोल नहीं पा रहा था, वो देखते हैं कैसे खोलता है। देख खोल के देता हूँ, देख खोल के देता हूँ, भाग गया। ओदे ओदे जा, ओदे ओदे कौन है? वो खोल लेगा लग रहा है। हाँ उसको ढक्कन ही निकाल दे रहे। देख खोल देता हूँ, खोल के देता हूँ, देना। तो गाइस देखो हमने ना साबूदाना ले लिया, क्या बोलते हैं उसको, साबूदाना का पोहा। यहाँ बंदा साबूदाने का पोहा भाई। हम लोग आ गए श्री उद्धव बिहारी जी उद्धव कुंड में आ गए, चलो देखते हैं अंदर। तो गाइस ये है उद्धव बिहारी जी कुंड, अब चलते हैं यहाँ से आगे। गाइस यहाँ ना पान बहुत फेमस है, मैं पान भी ले लिया, उसको पान खा लिया। गाइस ये है चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जय भगवान। मम्मी बोली दो मैं भी थोड़ा झाड़ू लगा दें दी करके ना, मम्मी भी झाड़ू लगा रही है अभी सीढ़ी का। क्या मस्त मंदिर है यार ये, पापा भी लगा रहे हैं, मैं भी लगाया था, सब थोड़ा थोड़ा करके लगा दिए, पूरा कंप्लीट हो गया, जय भगवान। चलो तो गाइस फाइनली हम पूरा एक राउंड घूम के वापस आ चुके हैं, यहीं से हम स्टार्ट के थे, इस डायरेक्शन में गए थे, अब घूम कैसे इस डायरेक्शन से रिटर्न आ गए। टोटल डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। गाइस ये देखो सामने एक और मोर बैठा है, यहाँ पे असली का मोर है ना वो। तो गाइस हम माँ वैष्णो देवी टेम्पल आ चुके हैं, सामने देखो क्या दुर्गा मैया है सामने में, मैं और आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ। चलिए कॉल में मेरे साथ, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉग में मेरे साथ आप लोग चलिए। तो गाइस ये ना लॉकर रूम था वैष्णो देवी का, या मैं लॉकर रूम में जमा कर दिए बैग और अपन जाते हैं। गाइस एक ऐसे गुफा वाले डिज़ाइन में बना हुआ है, वे टू मंदिर लिखा था यहाँ पे। चलो चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। अब देखो क्या मस्त लग रही है दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया जय वैजंबली। अरे वाह यहाँ पे से पानी भी आ रहा है यार। गाइस देखो क्या मस्त है, भगवान के पास ऊपर से पानी आ रहा है और झरना के रूप में नीचे आके गिर रहे हैं। अरे वाह यार कई शानदार, मस्त लग रहा है। देखो वैष्णो देवी मंदिर वृंदावन में नहीं, ये यमुना जी लिखा है। अच्छा ये भी देखो यमुना जी लिखा है। तो गाइस अब हम लोग अंदर जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर। पूरा आर्ट गैलरी है, कैसे कैसे करके देवी मैया बनी है और कैसे कैसे करके पूरा मंदिर बना है, ये उसका आर्ट गैलरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ माँ वैष्णो देवी मंदिर, लैंडस्केप मोड ऐसे करके ना। और ये वैष्णो देवी मंदिर, जय देवी मैया। और ये देखिए ये गंगा जी हैं, जय देवी मैया। गाइस यहाँ वे टू गुफा लिखा है, देखते कौन सा गुफा है। तो ये ना गुफा जाने का रास्ता है, यहाँ पे क्या है गाना चल रहा था ना देवी मैया का, तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा देवी मैया का ना सब टेप प्रक्रिया में, ये पूरा ना वो बना है पहाड़ के डिज़ाइन में अंदर बना है। ये गणेश जी हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि जी, यहाँ दुर्गा मैया का ना पूरा रूप है, सातों रूप है यहाँ पे, नौ दुर्गा का नौ रूप है। और आगे आप लोग देखते चलिए यहाँ पे
तो लाइन से इधर है, ये पूरा पहाड़ के रीजन में, ऊपर भी पहाड़ के रीजन में बने, नीचे भी, मतलब चले तो पूरा फील है कि पहाड़ में ही चल रहे हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर टाइप का ही बनाया गया है इसमें। और फिर आगे जैसे यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे परिक्रमा मार्ग शुरू हो जाए। गाइस हम लोग यहाँ पे आ गए वे टू परिक्रमा। देखो कितनी अच्छी लग रही देवी मैया। जय बजरंगबली, चरण पादुका, पापा बोले चंद्र का भी फोटो ले लो। देखिए जो मैं बता रहा था ना, इधर भी है देवी मैया का स्वरूप, तो पांच उधर थे और चार इधर हैं देवी मैया के। ये काल रात्रि मैया अपना इनसे पूरा देवी मैया का है पूरा, है ना। मैं एकदम से मैं ना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ देवी मैया का नाम मेरे को, क्योंकि यहाँ नाम याद नहीं है और मैं गलत नहीं बोलना चाहता कोई सा भी नाम। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं गुफा से। तो गाइस मंदिर में प्रसाद और खजाना करके कुछ मिला है, देखते हैं इसको ओपन करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को घर रूम जाके। गाइस हम लोग ना प्रिया कांड जो मंदिर आ गए हैं, इसको श्री देवकी नंदन ठाकुर जी बनवाए हैं ये मंदिर को। ये भी वैष्णो देवी मंदिर है ना, उसके थोड़ा सा पहले है। देखो क्या मस्त मंदिर बना है। तो गाइस हम लोग प्रेम मंदिर आ गए हैं और मैं अंदर चल के आप लोग और अच्छे से दिखाता हूँ ये प्रेम मंदिर है। तो गाइस देखो ये प्रेम मंदिर है, इसका ना कलर चेंज होता रहता है, अब कितने कितने देर में होता है ये नहीं पता, पर इसका कलर चेंज होता रहता है। कितना भीड़ है यार यहाँ पे, कितना भीड़ है, देखिए कलर चेंज हो गया। हाँ गाइस देखो फिर पिंक कलर हो गया है, बहुत शानदार लग रहा है यार प्रेम मंदिर भी, यहाँ पे कितना बढ़िया बना है। और वो जो कालिया नाग है ना वो मूवमेंट भी कर, गाइस हम लोग ना यहाँ आ गए प्रेम मंदिर में, आप लोगों को सब इधर दिखा रहा हूँ मैं। भाई इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, जिसका लिमिटेशन नहीं है। तो मैं इसका ना कल एक प्रॉपर ना वीडियो बना के ना कल इसके डालूंगा मैं। अभी ना लाइटनिंग बस देख लो हल्का हल्का जो जो दिख रहा है अभी आप लोगों को, ये देख लो ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो क्या मस्त लाइटनिंग है, और इससे पहले वीडियो में तो आप लोग देखे हो इधर ये सब गोपी है। फ्लावरिंग इतना जोरदार है भाई यहाँ का, इतना जोरदार फ्लावर है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, एक से एक फ्लावर। यह प्रेम मंदिर में है हम लोग, और आगे दिखा तो देखो इधर जैसे वो कालिया नाग वाला था ना वो वाला दृश्य दिखाए हैं यहाँ। एक बार इसको देख लेना और देख के आना, ये पूरा डिटेल्स है यहाँ का, क्या है कितने टाइम क्या होता है कैसे से कैसे होता है। ये देखना भाई 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ट्रीट कहा गए आलू पराठा खाने, मम्मी पापा को ना खाना खिला के उनको रूम भेज दिए, मैं भाई घूम घूम के कुछ कुछ खाएंगे। तो गाइस हम लोग ना हल्का मुल्का कुछ कुछ खा लिए हैं, ये पैक भी करा लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मैं भाई रूम, अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, इसलिए वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा आप लोगों के लिए, नहीं तो चलो राधे राधे हरे कृष्णा गुड नाइट बाय बाय। हाँ और प्रेमानंद जी महाराज का फिर हम लोग आज दर्शन करने निकलेंगे, हाँ मतलब नाइट में कल ही आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, देखिएगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।